हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.4। बेटा आज हम सीखेंगे मीटर को बेटा किलोमीटर में कन्वर्ट करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें हम जान लेते हैं। बेटा एक किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ध्यान देना बेटा, 1 किलोमीटर मैंने वैसे ही लिखा, इक्वल की जगह इक्वल लिखा। बेटा इस 1000 को मैं 1000 × 1 लिख रही हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, मीटर की जगह बेटा मीटर मैंने लिखा। अब बेटा ध्यान देना, ये मैंने वैसे ही लिख लिया। ठीक, अब ये 1000 बेटा दूसरी तरफ क्या है, मल्टीप्लाई में मैं इधर ले जाना चाहती हूँ, दूसरी तरफ लाना चाहती हूँ, तो बेटा ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा बेटा 1 मीटर। ठीक है, और आप 1/1000 को क्या लिख सकते हो, 0.001 लिख सकते हो। ठीक है, किलोमीटर की जगह किलोमीटर और इक्वल में 1 मीटर। अब बेटा हम इसका यूज करके पूरा टॉपिक सॉल्व करेंगे। क्या ध्यान रखना है, 1 मीटर इक्वल टू 0.001 किलोमीटर, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब शुरुआत करते हैं बेटा। आपको कहा है 8 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो बेटा इसमें दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करा, तो बेटा यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कितना हुआ 8 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8 हुआ, किलोमीटर की जगह किलोमीटर। पॉइंट कैसे लगाओगे बेटा, यहाँ से पता चलेगा। पॉइंट बेटा यहाँ 3 नंबर के बाद है, 3 नंबर के बाद 1, 2, 3, 3 नंबर के बाद है। सॉल्यूशन में भी 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे पीछे से। देखिए 1 नंबर तो हमें पता है, और 2 नंबर की जगह 2 जीरो लगा लूं, अब पॉइंट लगा दूं। 3 नंबर के बाद बेटा पॉइंट लग गया, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा हमें इन मीटर को किलोमीटर में बदलना है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बेटा आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। शुरुआत करते हैं, 88 मीटर है बेटा, आप दोनों तरफ 88 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 88 से मल्टीप्लाई करा, तो बेटा यहाँ भी 88 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 88 का 1 में मल्टीप्लाई 88, ये आपका मीटर। ठीक, इक्वल की जगह इक्वल। अब बेटा मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 88 का 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा 88, किलोमीटर की जगह किलोमीटर। पॉइंट कैसे लगाओगे, यहाँ से पता चलेगा बेटा, यहाँ पॉइंट 3 नंबर के बाद है, सॉल्यूशन में भी पॉइंट 3 नंबर के बाद आएगा पीछे से, इधर से। तो बेटा 2 नंबर तो है अपने पास, अब एक आप क्या करो, 0 लगा दो, हो गए 3 नंबर, पॉइंट लगा दो, सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब बेटा आपको इसे किलोमीटर में बदलना है। 8, 8, 8, 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कर देते हैं 8, 8, 8, 8 से मल्टीप्लाई इधर करा बेटा, इधर भी कर दो। ये कितने होंगे, 8, 8, 8, 8 मीटर।
इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हुआ। अब बेटा इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8888 और किलोमीटर की जगह किलोमीटर। पॉइंट कैसे लगाओगे यहाँ से पता चलेगा। पॉइंट बेटा 3 नंबर के बाद है, सॉल्यूशन में भी पॉइंट 3 नंबर के बाद लगाएंगे लेकिन पीछे से 1 2 3 के बाद बेटा पॉइंट लगाया, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीटर को बेटा किलोमीटर में बदलना है। सबसे पहले ध्यान दो 70 किलोमीटर, ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ा है 5 मीटर, तो बेटा 5 मीटर प्लस करके लिख दो। अब बेटा हमें किलोमीटर में बदलना है, ये ऑलरेडी किलोमीटर में है तो बेटा इसे वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे बेटा 5 × 1 लिख लेते हैं, ठीक, इस मीटर की जगह मीटर। ये बेटा 70 किलोमीटर, 5 की जगह 5, 1 मीटर को बेटा क्या लिखे 0.001 किलोमीटर, यहां से बेटा मैंने यहां लिख दिया। ये 70 किलोमीटर मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई हो गया 5, किलोमीटर की जगह किलोमीटर। अब पॉइंट कैसे लगाओगे यहां से पता चलेगा। पॉइंट बेटा 3 नंबर के बाद है 3 नंबर के बाद, सॉल्यूशन में भी पॉइंट 3 नंबर के बाद लगा दो। 1 नंबर तो बेटा हमारे पास है, पॉइंट कहां से लगाते हैं पीछे से, 1 नंबर हमारे पास है, 2 नंबर और लगाना है तो 2 0 लगा दिए। अब पॉइंट पीछे से 3 नंबर के बाद लगाओ, 1 2 3 पॉइंट बेटा यहां आएगा। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो 70 किलोमीटर इसे बेटा आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, 70 के बाद पॉइंट लगा दिया, वही 70 ही है बेटा ये, ठीक है, और इसे जोड़ना है तो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और ये 005 किलोमीटर, ठीक है, इसे जोड़ो 500 पॉइंट की जगह पॉइंट और ये हो गया 70 और ये क्या है किलोमीटर में, आंसर आपका बन गया।